सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थक वाक्य यानी क्वेश्चंस। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ पे जो एग्जांपल हम जो लिखते हैं यानी सकारात्मक वाक्य में, आई रोट ए लेटर, यहाँ पर जो वर्ब जो लिखा है यहाँ पे सेकंड कॉलम का वर्ब, इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं पहले वीडियो के अंदर जब हम पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे थे वहाँ पे। तो ये होता सकारात्मक यानी मैंने एक खत लिखा था, ठीक है। और नेगेटिव में यहाँ पे आई डिड नॉट राइट ए लेटर। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको गौर से ध्यान से देना है, यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे, तो ये है जब हम डिड या तो डिड नॉट लिखते हैं यहाँ पे तो आगे जो वर्ब होगा वो पॉजिटिव के अंदर आता वापस, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने खत नहीं लिखा था, ये तो नहीं लिखा है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में यहाँ पे डिड आई राइट ए लेटर, जैसा मैंने अभी कहा था डिड या तो डिड नॉट जब हम लगाते तो उसके बाद में जो वर्ब होगा वो वर्ब हमेशा प्रेजेंट कॉलम का वर्ब ही रहता है यहाँ पे। तो दोस्तों बाकी एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, वी रोट ए लेटर, ठीक है, वी डिड नॉट राइट ए लेटर, ठीक है, और डिड वी राइट ए लेटर, तो ये होता फर्स्ट पर्सन प्लूरल का। और सेकंड पर्सन सिंगुलर में यहाँ पे यू रोट ए लेटर, ठीक है, और एंड यहाँ पर देखिए यू डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर। तो दोस्तों ये तो देखना या तो पढ़ना आसान है, लेकिन इसको जब आप आसान से अगर बात करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। तो ही रोट ए लेटर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में देखिए यहाँ पे ही रोट ए लेटर, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड ही राइट ए लेटर, यानी जब हम सवाल पूछते हैं यहाँ पे डिड ही राइट ए लेटर। तो बाकी एग्जांपल भी जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं डायरेक्टली यहाँ पे लास्ट जो एग्जांपल यहाँ पे जो है मोहन रोट ए लेटर, यानी जो व्यक्ति का नाम यहाँ पे जो लिखा है, तो एक स्टूडेंट का नाम जो लिखा यहाँ पे मोहन बोल के यहाँ पे, तो ये भी थर्ड पर्सन के अंदर ही आएगा, मोहन रोट ए लेटर, मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर, मोहन खत नहीं लिखा था, ठीक है, नहीं लिखा है। और यहाँ पे डिड मोहन राइट ए लेटर, क्या मोहन ने लेटर लिखा है या लिखा था, इसका मतलब। तो ये है दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आगे और के देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नार्थक वाक्य। सबसे पहले बात करें यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव, यानी आई वाज राइटिंग लेटर, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी मैं लेटर लिख रहा था, यानी मैंने खत लिख रहा था। तो नेगेटिव में यहाँ पे आई वाज नॉट राइटिंग लेटर, मैंने खत नहीं लिख रहा था, ठीक है। जब पहले समय की बात कर रहे आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे उसके बारे में अगर बोलना है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज आई राइटिंग लेटर, ठीक है, तो ये वाज वेयर जो है आपको हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं हम इसको, और इसके लिए आपको जो पहले का जो वीडियो है मेरा पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट टेंस के बारे में पूरा, जहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा था यानी लिखा है, और जो है स्ट्रक्चर्स, तो अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में आप सही आप पढ़ते हो या उसको आप प्रॉपरली आप उसको देखते हो तो सेंटेंस बनाने, जो भी सेंटेंस हमको आपको बनाना है यहाँ पे, तो वो आपको बहुत आसान होगा। तो दोस्तों डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर तरफ से। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो भी हम काम कर चुके थे उसके बारे में अगर बोलना है तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का। और इसमें देखिए यहाँ पे, और इसमें भी तीन कॉलम, जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यहाँ पे। सो पहले एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आई हैड रिटन ए लेटर, मैंने खत लिखा था, ठीक है। और नेगेटिव में यानी नकारात्मक में, आई हैड नॉट रिटन लेटर, मैंने एक खत नहीं लिखा था। और इंट्रोगेटिव में, हैड आई रिटन ए लेटर, क्या खत वो मैंने लिखा था, ऐसा। तो वी हैड रिटन, वी हैड नॉट रिटन, हैड वी रिटन ए लेटर। सिमिलरली यू हैड रिटन, यू हैड नॉट रिटन, हैड यू रिटन ए लेटर। और आगे ही हैड रिटन, ही हैड नॉट रिटन, हैड ही रिटन ए लेटर। तो बाकी जो एग्जांपल जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे। और पास्ट टेंस में जो लास्ट पार्ट है वो है पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस का। तो इसमें भी हम देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य। पहले देखेंगे यहाँ पे सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस। आई हैड बीन राइटिंग लेटर, मैंने उस टाइम पे खत्ती लिख रहा था, यानी कंटिन्यूएशन से यहाँ पे। तो थोड़ी हिस्सा कंप्लीट हो चुका था और थोड़ा हिस्सा जो लिखने का जो है वो तब भी चल रहा था, यानी पहले समय के बाद। सिमिलरली यानी नेगेटिव में आई हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर, तो मैंने खत वगैरह कुछ नहीं लिख रहा था उस समय की बात करें, यानी पहले समय की बात करें तो। और सिमिलरली यहाँ पे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थक वाक्य जो है, हैड आई बीन राइटिंग लेटर, आप और एक बार देखिए यहाँ पे हैड आई बीन राइटिंग लेटर। सिमिलरली वी हैड बीन राइटिंग लेटर, वी हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर, हैड वी बीन राइटिंग लेटर, राइट, यू हैड बीन राइटिंग लेटर, यू हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर, हैड यू बीन राइटिंग लेटर। दोस्तों बाकी का जो एग्जाम्पल है वो है आपके स्क्रीन के ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर देखनी है और आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये आप जितने बार आप प्रैक्टिस करते, जितने बार इसको बार बार आप रिपीट करते, स्पेशली प्रोनाउंशिएशन, जब आप मुँह से थोड़ा ज़ोर से जब आप बोलते पॉजिटिव नेगेटिव हर एक टेंस का, सिर्फ एक ही टेंस का नहीं, प्रेजेंट सिंपल में या पास सिंपल में या जो भी है टेंसेस है उसमें आपको बार बार बोलने हैं, ताकि आप उसको आप सही मायने में उसको यूज़ कर सकते जब भी हम उसको कम्युनिकेट करना है तो। दोस्तों आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।